हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको हुडेट पहुंचू यह है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं और हम आज ये लेंगे थ्री प्लाई वूल मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नौ नंबर का या थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम का क्रोशिया तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे ये कलर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आपको ये सभी साइजेस में मिलेगा यानी कि आप जिस साइज में बनाना चाहें बहुत ही अच्छा है बहुत ही कंफर्टेबल है और शॉल को बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस करेगा ये तो चलिए हमने इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के लिए क्रॉस बनाया और हम क्रोशिया डालकर और ये हमने होक कर लिया अब ये हमारा स्लिप नॉट तैयार है अब हम चेन बनाएंगे तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये पाँच से दस साल के बच्चे के लिए तो ये आप यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेवेंटी नाइन प्लस थ्री यानी कि सेवेंटी नाइन चेन और उसके साथ थ्री चेन और हम बनाएंगे जो हमारा आ, फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा तो इस तरह से मैं यहाँ पे फंदे ले रही हूँ आप जिस भी साइज़ का आ, बनाना चाहते हैं पोंचू उसकी डिटेल मैं आपको अभी दे दी वो आपको फ्लैश होएगी देखिए ये इस तरह से हमने रख के अंदाज़ा ले लिया है क्योंकि हम नेक से शुरू कर रहे हैं नेक से हम पहले नीचे का हिस्सा बनाएंगे और फिर ऊपर हुड बनाएंगे तो यहाँ हमने सेवेंटी नाइन चेन प्लस थ्री लिया है तो यहाँ पे थ्री ई वन टू थ्री थ्री स्किप करके हम फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए तो ये टू डबल क्रोशिया काउंट हो गए और इस तरह से हम हर चेन में वन डबल्स बनाएंगे अब देखिए यहाँ पे नाइन सिक्स टू टेन इयर्स का है ए, बच्चा तो उसके लिए आप एटी फाइव चेन लेंगे इस तरह से आप चेन्स बढ़ाते जाएंगे। और अगर और थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आप चेन को डिफाइन करेंगे यानी उतनी लेंगे चलिए तो इस तरह यहाँ पर हम हर एक चेन में एक डबल्स बना रहे हैं बहुत ही सिंपल हम डिज़ाइन रखेंगे इसमें बहुत ही बारीक सा हमने एक डिज़ाइन बनाया ताकि ये बिल्कुल गफ़ बने और गफ़ बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा वॉम्थ देगा इसमें कैप भी बनाएंगे जिससे कि बच्चों को कैप और शॉल की तरह ये बिल्कुल अच्छे से ये कवर करेगा तो क्योंकि ये एक बच्चे के लिए बनाया है तो हम इसे फ्रंट ओपन रखेंगे इसलिए हमने ये जॉइन नहीं करे हैं पॉन्चों में अब ये एक चेन बनाकर इसे हम काउंट नहीं करते और इसे इस तरह से टर्न कर लेते हैं अब हम जो फर्स्ट चेन होगी या चेन होल है उसी में हम एक और डबल्स बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर ये यह देखिए दो जो हम फर्स्ट टू डबल्स होंगे वो हर बार हमें चेंज नहीं करना है वो हर बार हमें इसी तरह से दोनों साइड लेने हैं और वहाँ पर ना हम इंक्रीज़ करेंगे ना कुछ तो चलिए इस तरह से अब हम यहाँ पर नेक्स्ट रो में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टू डबल्स बनाने के बाद थर्ड डबल में हमने टू डबल्स बनाए एक साथ एक ही चेन में उसके बाद हम वन डबल नेक्स्ट में वन डबल और उसके बाद फिर वन डबल हम इस तरह से लेंगे तो ये फोर डबल्स हमने बना लिए देखिए इसके बाद वन टू थ्री फोर अब हमें इंक्रीज करना है मतलब हर फोर डबल्स के बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं उससे तो पहले हमने टू ये बाद इंक्रीज किया था और उसके बाद हमने फोर डबल्स बनाए फिर इंक्रीज फिर फोर डबल्स फिर इंक्रीज हम इस तरह से लेंगे तो यहाँ पे हमने देखे सेकंड ही रो में हमने इंक्रीज कराया क्योंकि हमने बिल्कुल गले के पास से फंदे लिए हैं और अब हमें तेजी से बढ़ानी है शुरू के कुछ इंचेस या सिक्स यहाँ पर मैंने सिक्स लिया है सिक्स टू एट इंचेस हमें फंदे बढ़ाने हैं और उसके बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने तो यहाँ पर हम हर ऑल्टरनेट रो में हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर हमने वन 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 करके फिर फोर और बनाकर उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमने टू डबल्स बनाए हैं तो इस तरह से इंक्रीज़ करा है अब बिल्कुल हमने प्लेन बनाया है इजी ताकि आप भी इसे बिल्कुल आसानी से बना सकें तो इस तरह से हम यहाँ तक बिल्कुल इंक्रीज करेंगे तो हमारा सेकेंड रो इंक्रीज रो था देखिए इंक्रीज कर लिया हमने और अब ये लास्ट के कुछ फंदे रह रहे हैं तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर आप इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट में यानि कि टू डबल्स बनाएंगे इसी में एक और डबल ये हमारे टू डबल्स हो गए अब नेक्स्ट जो टू चेन है वो हम एक तरह से समझ लीजिए बॉर्डर रख लीजिए या यहाँ पर हम बटन्स लगाएंगे ताकि बच्चे खोल के और उतारे नहीं इसे और ये टू हमने फंदे रखे हैं जो हमें हर बार ये टू इसी तरह से डबल्स बनाने हैं इन्हें ना इंक्रीज में करना है ना डिक्रीज देखिए यहाँ पर भी मैंने इसीलिए टू के बाद ही इंक्रीज करा था ऐसी यहाँ पर हमने एंड में भी टू ही बना डबल्स फिर हमने वन चेन बनाकर इसको टर्न कर लिया अब ये हमारा थर्ड रो है अब ये हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे यानी कि हर एक एक डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे हम इसमें इंक्रीज़ नहीं करेंगे थर्ड में हम इंक्रीज नहीं करेंगे उसे बिल्कुल प्लेन रखेंगे और तो हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे तो बेसिकली हम एक रो तो में इंक्रीज़ कर रहे हैं नेक्स्ट में हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं फिर इंक्रीज़ करेंगे नेक्स्ट में हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो इस तरह से हम लेके चलेंगे कंसिस्टेंस लगातार और हम फाइव टू सिक्स वो सॉरी सिक्स टू एट इंचेस तक हम इसी तरह से फंदे इंक्रीज करेंगे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कराया मैंने अब हम यहाँ पर फाइव डबल्स के बाद ही इंक्रीज करेंगे सिक्स में हम टू डबल्स बनाएंगे हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे अब देखिए ये इंक्रीज राउंड है तो यहाँ पर मैंने ये देखिए थर्ड वाले में थर्ड डबल में हमने इंक्रीज करा अब हम डबल्स बनाएंगे नेक्स्ट में वन वन तो ये फाइव वन वन बना लिया हमने अब नेक्स्ट में हम टू डबल्स बनाएंगे यानी एक बढ़ाया है हमने इंक्रीज करा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे हम नेक्स्ट में इंक्रीज अब नेक्स्ट फिर हम ऐसे वन 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 फाइव टाइम्स बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट में हम फिर टू डबल्स बनाएंगे इस तरह से हम इसको बनाएंगे तो पूरा राउंड हमें इसी तरह से पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है यहाँ तक और फिर उसके बाद हम प्लेन वाली रो बनाएंगे यानी कि हमें जहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करना है फिर इंक्रीज़ फिर विदाउट इंक्रीज, इंक्रीज़ इस तरह से हम ये रो रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारी रिक्वायर्ड लेंथ ना आ जाए तो यहाँ पर हम सिक्स मैं यहाँ पर सिक्स इंचज पढ़ा कर रही हूँ आप जरूरत के हिसाब से या उसके हिसाब से आप सिक्स टू एट इंचज इसको लंबा करेंगे तो ये सिक्स टू एट इंचज हम लंबा बना लेंगे इसे ये देखिए मैंने यहाँ पे सिक्स इंचज तक इंक्रीज किया है और इसलिए इसकी देखिए शेप कितनी प्यारी आ गई है ऊपर से तो ये शोल्डर तक शोल्डर एक बार आप जरूर और मेजर कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप इंक्रीज़ करिएगा तो ये शोल्डर तक मैंने इंक्रीज कर लिए हैं अब मैं आगे अब डिज़ाइन डालूंगी अब यहाँ तक हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं अब हमें आगे और इंक्रीज़ नहीं करने हैं इंक्रीज राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम यहाँ पर एक बारीक सा एक छोटा सा डिज़ाइन डाल रहे हैं जस्ट अ टू रो रिपीट बस दो रो हमें बनानी है और उन्हें ही रिपीट करना है तो ये हमने टू वो डबल्स पहले डिज़ाइन के बना लिए जैसे हम बना रहे हैं अब देखिएगा आप ध्यान से बहुत ही इजी डिज़ाइन है अब यहाँ पर ये वाला हम चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल्स बना लेंगे हमने एक स्किप करी नेक्स्ट में हम डबल्स बना रहे हैं उसके बाद एक और नेक्स्ट में हमने डबल्स बनाया तो ये टू डबल्स हमने बना लिए अब देखिए जो हमने ये स्किप करा था ये वाला ये इसको हम इस तरह से लेकर आएंगे फंदे को लेंगे और इसको डबल्स को हम बना लेंगे ये देखिए ये एक लाइन सी आ गई है कट्स क्रॉस बन गया अब देखिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में फिर हम एक स्किप करेंगे ये और नेक्स्ट में हम बुनेंगे देखिए ये स्किप करा और यहाँ पर हम बुनेंगे ये एक और दो टू डबल्स हमने बनाए और फिर हम धागा आगे करके और जो हमने स्किप किया था उस वाले फंदे में डाल कर इस तरह से हमने इसे आगे ले लिया अब हम इसको डबल्स की बुन देंगे डबल्स की तरह ये और ये हमारा डिज़ाइन ये क्रॉस तैयार फिर हमने ये स्किप करा नेक्स्ट में हम टू वन डबल उससे नेक्स्ट में सेकेंड डबल यानी कि ये टू डबल्स हमने बना लिए अब धागा आगे करके जो हमने स्किप किया था चेन उसमें हम एक और डबल्स बना देंगे देखिए ये बहुत बारीक सा और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया हमारा और इसी तरह से हम ये वाला रो पूरा कंप्लीट करेंगे पूरा रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे देखिए हमने इंक्रीज कितने करे हैं ये उस पर डिपेंड है अगर एक दो तो फंदे का इधर उधर हो रहा है तो आप परेशान मत होइए आप उसे एडजस्ट कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लास्ट में पर हमें टू प्लेन इन या डबल क्रोशी ही बनानी है ठीक और पूरा हमारा रो इसमें पूरे में हम डिज़ाइन बनाएंगे ये देखिए लास्ट हम मैंने टू डबल्स कर दिए अब चेन बनाकर हमने इसको टर्न कर लिया टर्न करने के बाद हम अब इसी में हम डबल्स बनाएंगे तो वन डबल नेक्स्ट में हम फिर डबल्स बनाएंगे अब ये वाला रो राउंड रो जो है हमारी बेसिकली सिर्फ प्लेन डबल्स की है यानी डबल्स के ऊपर डबल्स हमें बनाने हैं कोई फंदा इधर उधर नहीं करना है तो हम यहाँ पर सिर्फ डबल्स ही डबल्स बनाएंगे बे प्लेन हमारी ये रो बनेगा पूरा तो हम इसे रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा रो इस तरह से प्लेन <coughs> यानी डबल्स के ऊपर हमें डबल्स बनाने हैं कुछ और ज्यादा नहीं करना है तो ये इस तरह से बनते रहेंगे अब इस तरह से ये हमें पूरा रिपीट करना है और अब आगे जितनी भी हमें लेंथ बनानी है यानी कि सिक्स हमने इंचेस बना ली है और मैं यहाँ पर सिक्सटीन इंचेस करना है तो टेन इंचेस का ये टू रो की मैं रिपीट करती रहूँगी और पूरा अपना डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी तो लास्ट रो में ये प्लेन वाली रो ही रखूँगी और इस तरह से मैं इसे पूरा रिपीट कर करके यहाँ तक ले आऊंगी तो ये पूरी रिपीट हो गई हमारी मैंने जितनी लेंथ थी मैंने बना ली और ये देखिए ये मैं काउंट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 11 डिज़ाइन्स बनाए हैं तो तो टोटल मैंने यहाँ पर एलेवन डिज़ाइन बनाए हैं और ये टू रो का रिपीट है तो यानी ट्वेंटी टू रोज मैंने टोटल बना बनाई हैं ट्वेंटी तो टू रोज बनाने के बाद जब मैंने इसे मेजर करा तो ये हो गया था हमारा 26 इंचेस। ओ सॉरी इंचेस तो ये सिक्सटीन इंचज आ गया था और देखिए ये पूरा हमारा राउंड इसी तरह है पूरे में हमारा डिजाइन बनकर बिल्कुल तैयार है अब आ, आ, जैसे अगर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो जितनी हमें उनकी उसकी लेंथ रखनी है हम उतनी लेंथ रख लेंगे कुछ थोड़ा शॉर्ट पसंद करते हैं कुछ लॉन्ग पसंद करते हैं पोंचो तो आप जैसा लॉ पसंद करें जितनी आपको लेंथ रखनी हो आप उतनी लेंथ रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर टोटल सिक्सटीन इंचेस लेंथ रखी है अब हमारा ये नीचे का हिस्सा तैयार है अब हम इसके ऊपर हुड बनाएंगे हुड बनाना है हमें कैप बनानी है या कह सकते हैं आप तो उसके लिए हम यहाँ से अटैच करेंगे तो जब हम बच्चों के लिए बना रहे हैं यानी टेन इयर्स तक के बच्चों के लिए अगर हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट चेन से ही हम स्टार्ट करेंगे एक चेन बनाएंगे और यहीं पर हम हम फर्स्ट डबल्स बनाएंगे क्योंकि हमने बहुत सिंपल रखा है मैंने इसे पहली बार मैंने भी बनाया है ये तो बहुत सिंपल रखा है तो यहाँ पर अगर हम बच्चे के लिए कर रहे हैं तो हम बिल्कुल फ़र्स्ट चेन से ही लेंगे लेकिन अगर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हम करीब फिफ्टीन चेन्स छोड़ कर लेंगे आपके आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है आप चाहें तो फाइव चें फाइव डबल्स छोड़ कर भी स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहें तो फिफ्टीन डबल्स छोड़ कर भी स्टार्ट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे फिफ़्टीन डबल्स छोड़ कर स्टार्ट करा है और बाद में फिर एक हल्का सा बॉर्डर बनाया है तो यहाँ पर फिफ्टीन मैंने एक साइड और दूसरी साइड भी फिफ्टीन स्किप करूँगी मैं डबल्स को तो यहाँ मैंने एटी डबल्स से शुरू करा था तो फिफ्टी डबल्स में मैं कैप बना रही हूँ तो वन बाय वन मैं हर डबल्स के ऊपर डबल्स बनाती रहूँगी और काउंट भी कर लूँगी तो ये मेरे फिफ्टी डबल्स बनेंगे और ये फिफ्टी डबल्स एक 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 करके मैं बुनती जाऊँगी फंदे बनाती जाऊँगी यहाँ भी मैंने इसको और सिंपल रखने की कोशिश करी है और बिल्कुल प्लेन कैप बनाई है इससे कि एक तो हमारा ये गफ बने और बनाने में इजी रहे जल्द से जल्द तैयार हो जाए क्योंकि मौसम आ गया है हमें अब उसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है तो ये देखिए यहाँ पे मैं फिफ्टीन स्किप करके यहाँ मार्क लग कर लीजिए आप थोड़ा सा थ्रेड या सेफ्टी पिन आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं और यहाँ तक कंप्लीट करें तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक क्योंकि हमें बच्चों के लिए बनाना है तो बिल्कुल फर्स्ट चेन से शुरू करना है और नहीं तो बड़ों के लिए बनाना है तो इस तरह से फिफ्टीन के लिए एम करना है और यहाँ पर एक बार काउंटर चेक कर लेते हैं कि ये फिफ्टीन डबल्स हो गए हैं या नहीं तो ये पूरे फिफ्टीन डबल्स हैं ये हमने स्किप करे हैं अब हम इन्हें दोनों साइड ये हमने स्किप करे हैं और बिल्कुल हमने प्लेन बनाया है कैप तो ये हमारे सारे फंदे तैयार हो गए अब हम एक चेन बनाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे और हर एक चेन यानी फिफ्टी फिर हर एक रो के बाद हम ये काउंट करते चलेंगे और हमें यहाँ पे फिफ्टी डबल्स बनाने हैं तो इस तरह से हम ये डबल्स बनाते रहेंगे और अपनी रोज कंप्लीट कर लेंगे और हमारी ये इस तरह से तैयार होती चलेगी तो ये पूरा लंबा हम बनाते रहेंगे और ये देखिए ये पूरा हम लंबा बनाते रहेंगे और इसको हम करीब छोटे बच्चों में हम एट इंचेस और करीब हम टेन इंचेस में यहाँ पर टेन इंचेस बनाऊंगी कम से कम ये और देखिए ये मेरी तैयार हो गई है और मैं एक बार आपको ये मेजर करके बताती हूँ फिर से मैंने यहाँ पे टेन इंचेस रखे हैं ये देखिए टेन टू टेन एंड हाफ मैंने इंचेस रखे हैं और इतने लंबा बनाने के बाद मैं इसे अब ऊपर से जॉइन करूँगी तो ऊपर से जॉइन करने के लिए हम क्या करेंगे हम इसे हाफ़ हाफ़ करके पकड़ लेंगे यानी हाफ़ फंदे हाफ फंदे दोनों को पकड़ लेंगे एक साथ यानी कि फर्स्ट आ, 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 डबल्स और लास्ट डबल दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे इस तरह से मोड़कर और फिर हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे देखिए इस तरह से आप सीधा उल्टा देखकर तब शुरू करिएगा ताकि आपके आगे की तरफ ही रहे उस चीज़ को और उल्टे साइड यानी जो हमें आगे रखनी है वो दोनों अंदर की तरफ रहेंगे और जो अंदर की साइड रखी है वो दोनों बाहर के साइड रहेंगे और फिर हम इन्हें जॉइन करेंगे तो जॉइन करने के लिए आपको धागा काटना नहीं है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और और आप निडल से चाहें तो आप निडल से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं मैं यहाँ पर सीधे क्रोशिया से ही ज्वाइन कर रही हूँ देखिए मैंने लास्ट और फर्स्ट दोनों डबल्स को एक साथ ले लिया है और इन्हें इस तरह से लिया अगर धागा ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप उसे एक साथ दे इस तरह से फिर मैंने ये नेक्स्ट नेक्स्ट चेन और सेकेंड चेन को हमने एक साथ लिया और इस तरह से हम इसे सिंगल क्रोश से जॉइन करते चलेंगे धागा ले लिया आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक एक चेन दोनों के लिए तो बिल्कुल सिंपल बिना किसी हौश पौश के और बिल्कुल आसानी से ये बनता चला जाएगा और आप इस तरह से ये ज्वाइन करते चले जाएँगे इस तरह से लेना है फंदे और सिंगल क्रोशे देखे, ये देखिए ये ज्वाइन हो रहा है ये चेन भी बनती आ रही है क्योंकि हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं और ये बाहर की तरफ देखिए कोई ज्वाइन हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इस तरह से हम ये सारे फंदे ज्वाइन कर देंगे यहाँ तक ये यह पूरा जॉइन करेंगे हम धागे को हम यहाँ तक बिल्कुल जॉइन करेंगे उसके बाद धागे को कट कर देंगे जो और बाकी का एंड को हम इस तरह से वीव कर देंगे तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक धागे को कट करके इसमें वीव कर दिया है और अब मैं इसे आपको मोड़ के दिखाती हूँ देखिए कितनी साफ सफाई से ये जॉइन हो गया है और कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है और ये हो गई है हमारी कैब तैयार अब हमें यहाँ पर बस बटन्स लगाने हैं जिससे कि बच्चे उतार के इसे फेंके नहीं तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ चॉइसेस हैं जो मैंने पसंद करे बटन वो तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसे ही ले सकते हैं देखिए ये ये भी इस पर जा रहा है कलर अच्छी तरह से जो इसमें लाइट शेड है उससे मैच हो रहा है ये इसके डार्क शेड से मैच हो रहा है जो ये डार्क कलर है इससे मैच हो रहा है और ये तो स... ये बिल्कुल लाइट कलर है या इस पर और कलर्स का इम्प्रेशन आ रहा है तो ये तीनों कलर हैं यहाँ तीनों अच्छे लग रहे हैं आप जिसके साथ जाना चाहें आप उसके साथ जा सकते हैं मैं यहाँ पर डार्क कलर के साथ जाऊँगी और मैं यहाँ पर थ्री बटन्स लगाऊंगी तो वन एक यहाँ एक यहाँ और एक ये डिज़ाइन से पहले तो इस तरह से ये तीन बटन यहाँ पर मैं लगाऊँगी और इसको तैयार कर लेंगे हम ये तीनों तो आप इसे निडल से इन्हें ज्वाइन कर दीजिए देखिए मैंने ज्वाइन करके इन्हें बंद कर दिया बिल्कुल आसान सिंपल और ये हमारा ये बिल्कुल तैयार है देखिए ये हुड भी तैयार है अगर ये आपको हुड थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप इसके आगे एक बॉर्डर बना सकते हैं फंदे उठाकर आप आसानी से ये बॉर्डर बना सकते हैं और ये फुल लेंथ हमारी तैयार है तो बिल्कुल कैप की टिप से लेकर मैंने जो नीचे तक इसकी लेंथ रखी है वो रखी है मैंने ट्वेंटी सिक्स बिल्कुल यहाँ तक ये मैंने पूरी लेंथ रखी है बिल्कुल कैप से लेकर नीचे तक मैंने इसे रखा है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स इंचज़ है ये बिल्कुल तैयार ट्वेंटी फाइव एंड हाफ टू ट्वेंटी सिक्स इंचज़ और अब देखिए ये मैं आपको पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाती हूँ ये देखिए ये देखिए ये हुट भी मैंने इस तरह से करी है और ये है हमारी पूरी लेंथ देखिए जो डिज़ाइन है वो बहुत बारीकी से हमें दिखाई दे रहा है तो आपको ये पोनचो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दैट मीन्स अ लॉट टू मी थैंक्स फॉर वॉचिंग